पूरा भरोसा है। ये भारी बहुमत से सर आपने कहा सर बिहार के लिए खुशी उड़ीसा भी सर। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जो है पटना पहुंची और इस दौरान एनडीए के तमाम नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई पटना के होटल मौर्य में और वहां पर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े चेहरे एक साथ मौजूद थे। बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो है वो जब सीएम नीतीश कुमार उस कार्यक्रम से निकले तो उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था और जिस तरीके से खबर है जो जिस तरीके की जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक जो है एनडीए प्रत्याशी जो है की शानदार जीत होगी, बहुत बड़ी मार्जिन से उनकी जीत होने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार पहले सुनवाते हैं। सब लोगों ने अपनी बात कह दी है और हम लोगों को पूरा भरोसा है। समझ गए सर, आपने कहा सर बिहार के लिए खुशी उड़ीसा भी सर खुशी की बात कर सर आप तो जानते हैं आपने सारी बात कह दी। सर सर कुछ भी पक्ष से भी अपील करेंगे सर। विशेष विमान से आज जो है एनडीए की राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो पटना पहुंची थी। वहां पर पटना एयरपोर्ट पर एनडीए के तमाम दलों के नेताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिभा स्थल पर पहुंची जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद पटना के होटल मौर्य में आयोजित एनडीए द्वारा जो मीटिंग कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुई। वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, सीएम नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया वहां पर। साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे जो बड़े चेहरे थे जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता जितन राम मांझी समेत जो लोजपा रामविलास है उनके नेता भी मौजूद थे। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान भी जो हैं वो नजर आ रहे थे। क्या कुछ नजर आता होटल मौर्या का, किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का वहां पर स्वागत किया गया, छोड़े जाते हैं आपको वीडियो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति बनना जय प्रकाश नारायण जी के सपने की इच्छा पूर्ति जैसा है। उड़ीसा जैसे पिछड़े